प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई शेयर अबाउट ए वेरी इफेक्टिव होम रेमेडीज DIY फेस वॉश फॉर पिंपल एंड एक्ने प्रोन स्किन। हाँ फ्रेंड्स, नॉर्मली पिंपल एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता है, बहुत सारा फेस वॉश मिलता है, बट वो जो है हमारा फेस को सूट नहीं करता है, हमारा फेस को और भी ज़्यादा ख़राब कर देता है, और भी ज़्यादा पिंपल और एक्ने हो जाता है। तो आज मैं शेयर करूँगी एक होम रेमेडीज DIY फेस वॉश, जो कि आपका फेस को बहुत ज़्यादा ग्लो देगा और आपका पिंपल और एक्ने को बहुत ज़्यादा रिड्यूस भी करेगा, साथ ही साथ आपका फेस को भी ब्राइटन बनाएगा। तो फ्रेंड्स, और टाइम वेस्ट नहीं करके चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट प्रोसेस जो है, हम एक खाली बॉटल को लेंगे, उसके अंदर अभी मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी, और उसके ऊपर मैं अभी डाल दूंगी 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल, और उसके अंदर डाल दूंगी हनी। आपको जितना क्वांटिटी चाहिए आप उतना ही ले सकते हैं, और इसको आप बहुत दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। और अभी मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून कॉफ़ी, और ये सारे इंग्रेडिएंट को मैं अभी अच्छे से मिला दूंगी। देखिए, कोई सपोज़ फोम चाहिए तो आप कुछ भी माइल्ड वाला जेल वाला फेस वॉश को लेके उसके अंदर आप पानी डाल के उसको मिला के आप इसके अंदर डाल सकते हैं, और वो फोम वाला फेस वॉश भी बन जाएगा। ये फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मेरा फेस वॉश को लिया है और थोड़ा सा इसके अंदर मैं अभी डालूँगी ताकि वो अच्छा सा एक फोम बन जाए। थोड़ा सा ही मुझे डालना है, और इसके अंदर मैं अभी थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि वो अच्छा सा एक फोम बन जाएगा। और अभी आप इसको अच्छे से ऐसे कवर करके सेक कर देना ताकि वो अच्छे से फोम बन जाएगा, और आप इसको यूज़ भी अभी कर सकते हैं। देखिए, मेरे DIY होम रेमेडीज वाला फेस वॉश जो है वो अभी बन गया है। आप इसको दिन में 1, 2 या 3 बार यूज कर सकते हैं आपकी फेस में। देखना फ्रेंड, ये वाला फेस वॉश आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और भी एक तरीका है, ये फेस वॉश में आप और भी 2 इंग्रेडिएंट को यूज कर सकते हैं, लाइक बेसन और हल्दी। तो हम चलिए हम इसको मिलाते हैं। देखना फ्रेंड, ये वाला फेस वॉश आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और भी एक प्रोसेस है जो कि आप इसको कर सकते हैं। आप ये फेस वॉश को और भी ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए और भी 2 प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि बेसन और हल्दी। तो चलिए हम ये दोनों इंग्रेडिएंट को मिलाते हैं। मैं 1/2 टेबल स्पून हल्दी को लिया है, और उसको अभी मैं मिक्स करूँ, और 1 टेबल स्पून बेसन को अभी मैं डालूँगी, और इसको अभी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मेरा 2 DIY होम रेमेडीज फेस वॉश जो है वो अभी बन गया है। आप उसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही बहुत इफेक्टिव है। ट्रस्ट मी गाइस, ये जो फेस वॉश है ये 100% नेचुरल है एंड 100% केमिकल फ्री है, जो कि आपका फेस को बहुत अच्छा रखेगा और आपका फेस का कलर को भी ब्राइटन बनाएगा एंड आपकी फेस को भी हार्मफुल नहीं करेगा। जो भी इंग्रेडिएंट है लाइक हनी, हनी तो हमारा फेस को बहुत मॉइस्चर देता है, जो कि हमारा फेस के लिए बहुत अच्छा है,
एंड सेकंड इंग्रेडिएंट जो है वो एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल तो आपको पता है मल्टीपर्पज़ के लिए हम इसको यूज करते हैं, उसमें सारा फेस का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। कॉफ़ी या फ्रेंड्स, यू नो कॉफ़ी इज़ वेरी गुड इंग्रेडिएंट फॉर आवर फेस। कॉफ़ी हमारा फेस को बहुत हाइड्रेट रखता है और बहुत ज़्यादा ग्लो भी देता है। और मुल्तानी मिट्टी इज़ लाइक ए ऑसम इंग्रेडिएंट फॉर आवर स्किन, फॉर आवर फेस। लाइक मुल्तानी मिट्टी में तो हमारा टोनर एंड क्लिंजिंग दोनों का ही हमारा काम हो जाता है। और मुल्तानी मिट्टी जो है हमारा फेस का सारे एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है इंस्टेंटली, और इंस्टेंट हमारा फेस को ग्लो भी देता है। एंड हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर है एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी है, जिसकी वजह से हमारा जो भी पिंपल है एंड एक्नी है उसको वो रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। एंड बेसन तो हमारा फेस को इंस्टेंट ही ब्राइटन बनाता है और हमारा कलर को भी वो लाइटन बनाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको बहुत इजी वे में आप घर में भी इसको बना सकते हैं और आपका फेस को अच्छा सा एक लुक भी दे सकते हैं। मेरा ये DIY होम रेमेडीज़ वाला फेस वॉश आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आज का मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye. See you in next vlog. Take care. Stay happy and stay healthy.